हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल अतीश इन्फोटेक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो कि सभी स्टूडेंट्स हमारे सभी भाइयों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनका हमारे कमेंट में जो है उनका क्वेश्चन भी आ रहा था कि सर आप कोई फॉर्मेट बताएं जिससे कि हमारा जो है कमेंट जीमेल है जो मैं मेल करूँ वो AKTU का जो है रिप्लाई आए वो यूफॉर्म का हो या तो किसी एग्ज़ाम के या तो मतलब कि आपका कोई भी एक प्रॉब्लम प्रॉपर हो तरीके से दोस्तों। एक चल जेन्युइन जानकारी जो कि AKTU पे खुद है। सही बात है, यहाँ पे AKTU का जो है एक फॉर्मेट है मेल करने का, अगर उस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे तभी उसका जो है रिप्लाई आएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेल्पलाइंस, ऊपर दिखाई दे रहा है हेल्पलाइंस। यहाँ पे AKTU के साइट पे आप भी जाएंगे, वहाँ पे हेल्पलाइंस एक ऑप्शन होता है जहाँ से आपको क्या है प्रॉपर फॉर्मेट आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये AKTU का नोटिस है। उन्होंने भी ये बोला था कि अगर आप मेल करेंगे तो आपका UFM का जो केस होता है या तो आपको लॉगिन रिलेटेड कोई इश्यू हो यहाँ पे दिख रहा है आपको, या तो इमिग्रेशन रिलेटेड कोई, या तो सब्जेक्ट रिलेटेड कोई इश्यू हो, या तो अदर एग्ज़ाम फॉर्म रिलेटेड इश्यू हो, या पेमेंट इशू हो, कोई भी इशू हो दोस्तों, UFM से रिलेटेड कोई इशू हो, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम की कोई इशू हो, तो ये दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे क्या करना है, मेल करना है AKTU को, इसी फॉर्मेट में करना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर लिखा है, डियर स्टूडेंट, AKTU हैज़ स्टार्टेड डिफरेंस हेल्पलाइन फॉर डिफरेंस क्वेरीज, प्लीज़ ई मेल योर क्वेरीज इन बिलो मैंशन फॉर्मेट ओनली इल्स इट वुड नॉट बी कंसीडर। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका जो मेल है वो कंसीडर नहीं होगा। ऊपर देखो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट में आपको रिलेटेड टू लिखना है, आपको रिलेट करना है आपका प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम लिखना है रिलेटेड टू दैट्स प्रॉब्लम। उसके बाद आपको नीचे रोल नंबर लिखना है, उसके बाद सेमेस्टर लिखना है, उसके बाद नॉट मोर देन 3 लाइन्स डिस्क्राइब्ड ऑफ योर प्रॉब्लम, यानी कि आपको केवल 3 लाइन में अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है अपने रिजल्ट के सहित, यानी अगर रिजल्ट का प्रॉब्लम है तो रिजल्ट, नहीं तो और कोई इशू हो तो वो आपको दिखा कर वहाँ 3 लाइन में लिखना है। तो दोस्तों यही बताना था। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हो तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगी हो वीडियो दोस्तों तो लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आपका ये भाई, आपका भाई आपको ऐसे जेन्युइन जानकारी आपको देता रहेगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, थैंक यू।